हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। सो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप वन जो एग्जाम होने वाला है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर नंबर 8 सिलेबस 2016 में जून 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको रिवाइज करना है इस पूरे एंटायर सिलेबस को, कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को, जिससे कि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आ सके। सो जैसे मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैंने जून 2019 में सीएमए इंटरमीडिएट बोर्ड ग्रुप के एग्ज़ाम दिए थे और मैंने पास किया था। सो उसमें मैंने जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो हमेशा से ये रही है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको जब आप स्टडी करते हो फर्स्ट टाइम तो उसमें आपको 100% स्टडी करनी चाहिए, 100% सिलेबस आपको करना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन आप कुछ प्रायोरिटी सेट कर सकते हो अपने रिविजन टाइम के लिए, बिकॉज रिवाइज जो हमें करना होता है ऐसा तो है नहीं, बिकॉज सिलेबस जो है हर वास्ट होता है, बहुत बहुत लेंथी होता है, ठीक है। सभी चीज़ें आपने बहुत डिटेल में पढ़ी होती है ड्यूरिंग योर स्टडी, टेन्योर ऑफ योर स्टडी, बट रिवाइज हमें चीज़ें वो करनी होती है जो जिसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछा जाता है। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। सो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या एक सीक्वेंस रहना चाहिए। सो आज की जो वीडियो है वो पेपर नंबर 8 के लिए है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग। और इस कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए पूरा एंटायर सिलेबस, ठीक है, जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आ सके। और मैंने जो है 81 मार्क्स का इसमें अटेम्प्ट किया था, ठीक है, 81 मार्क्स का मैंने इसमें अटेम्प्ट किया था और मेरे 75 मार्क्स इसमें आए थे। सो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आए थे। तो वही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी थी और वही स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो वीडियो है इस वीडियो का मैं बिल्कुल वेरीफाई करके दिखाऊंगा आपको, जो जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ उसी को ही आपको रिवाइज करना है, राइट, बिकॉज उसको ही रिवाइज करोगे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो चैप्टर्स मैं नहीं बता रहा हूँ उसको आपको रिवाइज नहीं करना है। यस, यू मस्ट रिवाइज दोज चैप्टर ऑल्सो विच इज नॉट डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, बट यू शुड डिस्कस और यू शुड स्टडी और रिवाइज दोज चैप्टर्स ओनली आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द चैप्टर्स विच इज मेंशन इन दिस वीडियो इटसेल्फ, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो कि प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में चैप्टर्स पूछे गए हैं उसके बेसिस में आपको मैं बता रहा हूँ। सो मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूँ आपको, एक मैं आपको सीक्वेंस दे रहा हूँ रिविजन का, ठीक है। सो ये टोटली बेस्ड है ऑन पास्ट एग्जामिनेशन। मैंने क्या बोला, टोटली बेस्ड है पास्ट एग्जामिनेशन के बेसिस पे, ये सब मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। सो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर है, आपको ये पता होगा कि आपके पास में 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट, आपके पास में सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो सेक्शन बी है उसमें 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और इस 7 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपका जो लास्ट वाला होता है 8th नंबर क्वेश्चन, वो शॉर्ट नोट वाला होता है, इसमें आपको 100% थ्योरेटिकल चीजें लिखनी होती है, थ्योरी होती है वो शॉर्ट नोट 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, राइट। सो वो जो क्वेश्चन होता है वो आपका थ्योरी होता है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, आपको भी पता है अगर आपने स्कैनर देखा होगा, नहीं देखा तो भाई अभी स्कैनर को करो, ठीक है, बिकॉज पास्ट पेपर से भी इंस्टीट्यूट कभी कभी रिपीट कर देता है, कभी कभी नहीं, वो करता ही करता है हमेशा, ठीक है। सो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मोस्टली चैप्टर, मोस्टली कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है जिसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी, उसमें से एक क्वेश्चन होता है, मतलब दोनों क्वेश्चन जो होते हैं वो रिलेट करते हैं हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग को, और ये कंपलसरी है मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर, तो कंपलसरी है 15 मार्क्स का। तो आपको इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे देना चाहिए, मतलब इसमें मैं प्रायोरिटी ये बता रहा हूँ, इसमें जो प्रायोरिटी रहेगी वो फर्स्ट रहेगी, और उस फर्स्ट प्रायोरिटी में ये सभी चैप्टर्स आ रहे हैं, राइट। सो इन सभी चैप्टर्स को आपको करना है, ये 15 मार्क्स आपके दे करके जाएगा ये चैप्टर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले आपको मार्जिनल कॉस्टिंग करना है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इन चैप्टर्स को आपको करना ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले मार्जिनल कॉस्टिंग करना है, आप पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर सकते हो, आप पहले बजटरी कंट्रोल कर सकते हो, आप पहले जो मर्जी चैप्टर करो, द पॉइंट इज कि आपको ये चैप्टर्स करने ही करने हैं जो इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी प्रूफ करके बता दिखाऊंगा कि आपको ये चैप्टर्स क्यों करने चाहिए, क्या ये एग्जाम में आए हैं और क्या ये आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि नहीं। सो मार्जिनल कॉस्टिंग आपको करना चाहिए, ये 15 मार्क्स आपको दे करके जाएगा, दो क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी पूछा जाता है आपका, सेकंड चैप्टर आपका हो गया ये, ठीक है, सेकंड नंबर चैप्टर हो गया ये, एक क्वेश्चन जो होता है उसमें एक तो बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन होता है और एक आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक
ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें दो तरह के वेरिएंसेस हैं, दो तरह के वेरिएंस है केवल, एक तो मटेरियल वेरिएंस और एक आपका लेबर वेरिएंस कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप वन में। हाँ, हालांकि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिर प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर सेल्स वेरिएंस, वो सब आपका ग्रुप टू का पार्ट में है। सो अभी आपको क्या करना है, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस ही आपको इसमें पूछा जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ग्रुप वन में। सो ये 8 से 8 मार्क्स का या 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है बजटरी कंट्रोल का 7 या 8 मार्क्स का। सो टोटल ये 15 मार्क्स के ये दो चैप्टर होते हैं आपके। सो कितने मार्क्स आपके कवर हो गए, 30 मार्क्स। नाउ मटेरियल चैप्टर और लेबर चैप्टर, इंस्टीट्यूट या तो मटेरियल चैप्टर पूछता है या फिर लेबर चैप्टर पूछता है, ठीक है, या तो मटेरियल पूछता है या लेबर पूछता है, इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर पूछता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ये दोनों ही करने पड़ेंगे। दोनों में से एक करोगे रिवाइज करोगे नहीं बनेगा बात, आपको दोनों ही चैप्टर ये रिवाइज करने हैं, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट किस में एक कोई भी एक चैप्टर पूछता है इसमें से 7 से 8 मार्क्स में। ऐसे ही इसके साथ में एक ओवरहेड का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है 7 से 8 मार्क्स में, तो ओवरहेड तो कंपलसरी है ही गया और मटेरियल लेबर में से कोई एक आएगा। सो ये 15 मार्क्स आपके आते हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है, एक क्वेश्चन के दो पार्ट बनते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, उसका एक 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, सॉरी दो क्वेश्चन आते हैं, एक 8 मार्क्स का एक 7 मार्क्स का, मटेरियल और लेबर और ओवरहेड्स में से सबको ये तीनों चैप्टर कंपलसरी करने हैं। अगेन मैं ये बोलता हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइट दैट यू शुड लीव रेस्ट चैप्टर विच इज नॉट मेंशन इन दिस वीडियो, बट यस यू मस्ट डू दोस चैप्टर ऑल्सो, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर्स विच इज मेंशन इन दिस वीडियो इटसेल्फ। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ 6th नंबर पे आप जो चैप्टर रख सकते हो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से भी इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन पूछता है 8 से 7 मार्क्स का, और एक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में से इंस्टीट्यूट पूछता है 7 से 8 मार्क्स का। टोटल ये 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। सो अकॉर्डिंगली आप देख रहे होंगे, मैं मार्जिनल से हो गया 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल 30 मार्क्स हो गए, मटेरियल लेबर ओवरहेड आपके हो गए 15 मार्क्स, तो 45 मार्क्स आपके यहाँ हो गए, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 7 चैप्टर्स, फर्स्ट 7 चैप्टर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर 60 मार्क्स पेपर। यस यू हियर राइट, अब 60 मार्क्स का पेपर जो है, अब 60 मार्क्स का जो पेपर ये है जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और 8th चैप्टर जो है वो भी बहुत कंपलसरी बन जाता है आपके लिए, जिसे आप पढ़ते हो यूनिट कॉस्टिंग के नाम से या कॉस्ट शीट के नाम से, आप कॉस्ट निकालना सीखते हो या फिर टोटल कॉस्ट जिसे आप कहते हो, कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें आपने कॉस्ट शीट पढ़ी होगी, आपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर, उसके बाद में आपका वेरिएबल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन प्राइम कॉस्ट, वो सब आपने सीखा होगा, आपको पता होगा इजिली, आपने पूरा साल आपने स्टडी करा तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यूनिट कॉस्टिंग या कॉस्ट शीट के नाम से एक चैप्टर है, एंड उसके बाद में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, कि आपका कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट क्या है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट है, उसके क्या बीच में रीजंस है जिसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट वेरी कर रहा है, उस रीजंस को आइडेंटिफाई करके आप उसको प्रेजेंट करते हो इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ओके, सो या तो यूनिट कॉस्टिंग पूछेगा या फिर रिकंसिलिएशन पूछेगा या फिर यूनिट कॉस्टिंग और रिकंसिलिएशन दोनों पूछ लेगा। सपोज करो वो कह रहा है कॉस्टिंग का कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट बना दो और आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो, और देन रीजंस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ बिटवीन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वो रीजंस भी हमको आप बता दो एक स्टेटमेंट बना के, दैट इज प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। सो या तो ये एक चैप्टर पूछेगा या दोनों में से दोनों चैप्टर पूछ सकता है, या फिर वो केवल रिकंसिलिएशन पूछेगा। सो एग्रीगेट आप कह सकते हो कि 8 से 15 मार्क्स का ये कवर करता है। सो 60 मार्क्स से 75 मार्क्स का आपका यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएगा इजिली, इजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, अब आपके चैप्टर्स रह कौन से गए, मैं वो भी आपको याद दिला देता हूँ। सो आपका आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रह गए, फाइन, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रह गए, प्रोसेस कॉस्टिंग रह गया, बैच कॉस्टिंग रह गया, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट रह गया, ठीक है, नॉन नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग और इंटीग्रल अकाउंटिंग रह गया, और भी शायद कुछ और थ्योरेटिकल चैप्टर्स रह सकते हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दैट यू शुड लीव दोस चैप्टर्स, राइट, यू यू शुड आल्सो स्टडी दोस चैप्टर इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव नॉट टाइम देन डू दीज चैप्टर्स ओनली, राइट। अगर आपका टाइम बचता है तो आप इन चैप्टर्स के अलावा उन चैप्टर्स को भी रिवाइज करो, लेकिन इनको पहले करो। माई पॉइंट इज सिंपल, टू टू प्रायोरिटाइज योर सिलेबस, राइट, यस। हाँ, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मार्क्स स्कोर करना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी करना है, वो तो आपने पूरा पूरा साल आपने किया ही है, राइट, तो पूरा साल तो आपने वो स्टडी किया ही है सब कुछ। सो अभी आपको क्या है, एग्जाम आ गया है, ठीक है, जून में। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी स्टडी करनी है कि इंस्टीट्यूट ने क्या
पूछा जाता है। देखो सेक्शन बी में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे, अबाउ चैप्टर्स जो है विल कम इन सेक्शन बी। जैसे कि मैंने बताया सेक्शन सी बी में 7 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 7 में से 1 क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट वाला होगा, थ्योरेटिकल वाला, ठीक है। सो ये बी सेक्शन के जितने भी आप मैंने चैप्टर बताया उन सभी से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम प्रैक्टिकल चीजें। आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे, मैंने बता दिया, तो 75 मार्क्स आपको ये कवर करता है, लेकिन आपको 70+ मार्क्स आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। यस मैं करेक्ट कह रहा हूँ, आप इजिली 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो, आउट ऑफ 75 मार्क्स इजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली। और अगर आपने क्वालिटेटिव पेपर अटेम्प्ट किया है सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ योर अटेम्प्ट। अब मैं आपको इसमें और भी चीजें बताता हूँ, ठीक है, ओके। ठीक है, सो इसमें मैंने बोला कि सेक्शन ए जो है वो आपको 25 मार्क्स का, राइट। आपको पता है 10 MCQ जो है वो आते हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 10 10 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। देन 5 आपके फिलअप्स होते हैं, ठीक है, फिलअप्स क्वेश्चन होते हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने होते हैं, एक वर्ड या एक दो वर्ड हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। 5 आपके मैचिंग होते हैं, ठीक है, बहुत ईजी होते हैं ये भी। और 5 आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, 5 आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, आपको ट्रू या फॉल्स बताना होता है। कभी कभी इंस्टीट्यूट रीजनिंग भी पूछ लेता है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे इंस्टीट्यूट रीजनिंग, रीजन या जस्टिफिकेशन नहीं पूछता, जस्ट आपको ट्रू या फॉल्स लिखना होता है, ठीक है। सो ये अगर मैंने जो आपको चैप्टर्स बताए, जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं, ठीक है, 8 चैप्टर्स आपको बताए हैं, 10 10 या 12 चैप्टर जो भी मैंने आपको बताए हैं, इन चैप्टर्स को के प्रैक्टिकल, इन सब्जेक्ट के आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और थ्योरेटिकल चीजें, कॉन्सेप्टली चीजें, वो सब आप अच्छे तरीके से कर लोगे, राइट, अच्छे तरीके से कर लोगे, तो क्या होगा आपका, आप 25 मार्क्स के जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें से आप इजिली 15 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। आपने क्या सुना, आप इजिली 15 मार्क्स, 15+ मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। सो यू कैन इजिली अटेम्प्ट फ्रॉम अबव चैप्टर्स ऑफ 15+ मार्क्स, ठीक है। सो आपके जो अटेम्प्ट हो जाएगा वो 70+15 मार्क्स, 85+ मार्क्स का आप अटेम्प्ट इजिली कर सकते हो। और मैं आपको ये हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं कि ये एक्चुअली में आते हैं या नहीं आते, या ये क्या ये एक्चुअली में आए हैं कि नहीं आए, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। बट उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो सीक्वेंस आपका है ये बेस्ड है ऑन पास्ट एग्जामिनेशन जो जून 2017 से दिसंबर 2022 जो हमारा लास्ट अटेम्प्ट था उसमें हुए हैं, राइट, ओके। सो दिसंबर 2022 अटेम्प्ट तक ये जो है, जो भी मैंने आपको एनालिसिस बताया, एक सेकेंड, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ अभी, ठीक है। सो मैंने इसमें ये बताया कि जो हमने सीक्वेंस अभी जाना है कि किस सीक्वेंस में हमें अपने अपने पूरे इंटायर सिलेबस को स्टडी रिवाइज करना है, ठीक है, वो आपको जो 100 जो जो बेसिस है आपका, जो मेरा बेस है वो क्या बेस है मेरा, जून 2017 से दिसंबर 2022 के जो एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस किया है, आपको एनालिसिस दिया है, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है जनवरी 2021 का एग्जाम, ठीक है, दिसंबर 2021 का एग्जाम और जून 2022 का एग्जाम। बिकॉज आपको पता ही है दिसंबर 21 और जून 22 में और जनवरी 21 के जो पेपर थे उसका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन था वो बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। सो आप कहीं देख कहीं मेरा ये जो एनालिसिस है, आप टैली करने लग जाओ, आप चेक करने लग जाओ, कंपेयर करने लग जाओ इन इन तीन पेपर से, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो वो दीज आर द एक्सेप्शंस, ठीक है, फ्रॉम माई एनालिसिस, ठीक है। सो मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ इसमें। अब मैंने इसमें बताया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि आपको सबसे पहले तो हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं। एंड आई होप कि ये मुझे बताने वाली बात नहीं है, बिकॉज आपने ड्यूरिंग योर 1 ईयर और 6 मंथ और 4 मंथ वट एवर यू हैव गिवन ऑफ योर टाइम, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, आपने कॉन्सेप्टली पढ़ा होगा, आपने लॉजिकली पढ़ा होगा, आपने एक एक चीजों को समझ के किया होगा, आपने रटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें तो मुझे कहनी भी नहीं चाहिए, बट आपको सबसे पहले तो आपको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरेटिकल चीजें, जो भी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, जो भी लॉजिक्स आपको बताए गए हैं क्लास में, ठीक है, ड्यूरिंग योर स्टडी, वो आपको करना चाहिए। देन आपको क्या करना चाहिए, उनको लर्न करना चाहिए उन फॉर्मूलाज को लॉजिक्स के साथ, ठीक है। रटोगे तो काम खराब होगा, ठीक है, तो आपको बस पहले ये करना चाहिए। देन आपको प्रैक्टिस क्या करना है मैं वो बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है उसके क्वेश्चंस, भाई देखो आप पहले तो स्टिक रहो अपने इंस्टीट्यूट पर, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पर स्टिक रहो,
इंस्टीट्यूट अपने पास से ही एग्जामिनेशन से अपने स्टडी मेट से ही क्वेश्चन पूछता है। पहले तो आप इसको इंश्योर करो। दूसरा, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो स्टडी मटेरियल के जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं, ठीक है, सारे, एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए, ऐसा करना है आपको, ठीक है, सभी सभी क्वेश्चंस करने हैं आपको स्टडी मटेरियल के। और आपको पास्ट पेपर, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जून 17 से दिसंबर 2022 के जो क्वेश्चन है, ठीक है, जून 17 से दिसंबर 22 के जो क्वेश्चन है वो एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ। अब आप मुझसे बोलोगे कि सर, ये सर, भैया, जो भी आप बोलो, दिसंबर 19 तक तो क्वेश्चन पेपर, ये सजेस्टेड आंसर्स तो अवेलेबल है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, दिसंबर 21 का कहाँ से लेके आए, राइट, जून 22 का कहाँ से लेके आए, दिसंबर 22 का कहाँ से लेके आए, तो अच्छा, 2020 में तो आई थिंक पेपर ही नहीं हुए थे, ठीक है, 2020 में ना ही जून में हुआ था ना ही दिसंबर में हुआ था, राइट। उसके बाद में जो इनके जो दोनों एग्जाम थे वो मर्ज हो गए थे जनवरी 2021 में, राइट। और उसमें मेजोरिटी जो पेपर था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, इसलिए इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2021 का पेपर अपलोड नहीं किया, और ना ही बच्चों ने RTI कॉपीज मंगाई थी उसकी, ठीक है। दिसंबर 19 का आपको स्टडी मटेरियल, दिसंबर 19 का आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से मिल जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट, आपको दिसंबर 21 का पेपर जो होगा, जून 2022 का जो पेपर होगा और दिसंबर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर होगा, ये तीनों अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल ड्राइव लिंक बना रखा है, उससे जा करके आप, अगर आपके पास में वो भी नहीं है तो आपको करना, जून 17 से लेकर के दिसंबर 22 तक का जो क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है डाउनलोड करने का, ठीक है। अच्छा, दिसंबर 19 तक तो सजेस्टेड आंसर्स के साथ मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी होके क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे कौन कौन से अटेम्प्ट के, एक तो दिसंबर 21, जून 2022, दिसंबर 2022, ठीक है। इन सभी का मैं गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो उस टेलीग्राम में भी आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, आपको स्कैनर्स मिल जाएंगे, आपको रिविजन टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, आपको आर्ट वर्कबुक मिल जाएगी, MCQ बिट मिल जाएगी, आपको सभी चीजें वहां पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, ठीक है। फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक दे दूंगा। ओके, सो अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आपको मैंने क्या बोला, जून 17 से दिसंबर 22 तक के क्वेश्चंस जो है एटलीस्ट एग्जाम के, वो सारे आपको करने हैं, और जो स्टडी मटेरियल है ये आपको 100% करना है। सो ये दो चीजें आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आपके पास में टाइम नहीं बचता है तो आपको ये तो चीजें करनी ही करनी है, ठीक है। और इफ टाइम लेफ्ट, अगर टाइम आपके पास में बच जाता है थोड़ा बहुत, सो आप RTP एक बार देख कर लेना और वर्कबुक कर लेना। अगर आप अब बोलोगे वर्कबुक और RTP क्या है, सो RTP इज नथिंग बट द रिविजन टेस्ट पेपर विच इज लॉन्च्ड और इशूड बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। ओके, सो RTP में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, और हो सकता है कि वो 80-20-50-30-40% जो है इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल से कॉपी करके दे क्वेश्चन, और लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखने को मिलता है कि कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं मिल जाती है, सो यू शुड हैव फोकस ऑन दोज न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और न्यू कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज ऑलरेडी कॉपी पेस्टेड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल इटसेल्फ। ओके, सो वर्कबुक भी यही होता है, वर्कबुक एक एडिशनल बुक है जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की है, और इसमें भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस कॉपी पेस्टेड भी हो सकते हैं, सो ये आपको तब पता लगेगा जब आप चेक करोगे वर्कबुक को, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन कॉपी पेस्टेड है और कौन से क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, फाइन। ओके, सो अगर आपके पास में फिर भी टाइम बच जाता है तो आपको क्या करना है, आपको MTP भी सॉल्व करना है लेटेस्ट अटेम्प्ट का, जस्ट चेक कर लेना आप, ठीक है। बट इंस्टीट्यूट का क्या एक हैबिट क्या है, वो हमेशा कॉपी पेस्ट करता रहता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता है, वहाँ वहाँ उसको डाल देता है, बस यही करता है। अब मैं आपको वेरिफिकेशन बताता हूँ कि क्या ये वेरिफिकेशन है, मतलब वेरिफिकेशन जो मैंने आपको चैप्टर्स बोले हैं क्या वो एक्चुअली में आए हैं कि नहीं आए। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर, देखो सबसे पहले मैं आपको दिसंबर 2022 का लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम चलते हैं डायरेक्टली सेक्शन बी पे, भाई पता तो हो, एक्चुअली में पता तो हो कि वो क्या जो मैंने बताया आपको, क्या वो सही है कि नहीं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 75 मार्क्स आपका को अटेम्प्ट करने हैं 7 क्वेश्चंस में से। देखो 2 का ए जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वो आपका पार्ट हो गया मटेरियल का, ये पूरा क्वेश्चन मटेरियल का हो गया, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक निकाल, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स निकालना, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्ट्रोक लेवल, डेंजर लेवल, कितने मार्क्स में पूछा इंस्टीट्यूट ने, 8 मार्क्स में, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल पूछा, लेबर चैप्टर नहीं पूछा। ओके, मैंने भी आपको ये बताया था, या तो लेबर पूछेगा या मटेरियल पूछेगा। नाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, ये इंस्टीट्यूट पूछ रहा है कहाँ से, ये पूछ रहा है ओवरहेड से,
अब देख रहे होंगे इसको, अब ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ओवरहेड से पूछ रहा है कितने मार्क्स में, 7 मार्क्स में पूछ रहा है। सो यहाँ से आपको क्लैरिटी हो गई, इंस्टीट्यूट 15 मार्क्स का कहाँ से पूछ रहा है, ओवरहेड से पूछ रहा है। ठीक है चलो, तो ये हो गया 7 मार्क्स का, इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने मटेरियल पूछा, ओवरहेड पूछा। ओके, जो हमारा एनालिसिस है वो यही कहता है कि ओवरहेड करो और मटेरियल करो। ठीक है, पहले ओवरहेड करना है, पहले मटेरियल करना है, पहले मार्जिनल कॉस्टिंग करना है, इट्स योर चॉइस। बट मैंने ये बताया आपको कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा सा रोक के चलते हैं, अभी होल्ड करते हैं इस पर, क्योंकि ये कैश कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है। ठीक है, अच्छा इसमें जो बी पार्ट है वो क्या पूछ रहा है, देखो आपसे वो कह रहा है कि नेट लॉस आ गया कॉस्ट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट आ गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का, और आपको कुछ रीजंस बता दिए, ये रिजल्ट स्क्रूटनी बता दिया, आपको रीजंस बता दिए, तो ये सारे आपके रीजंस हैं, ये सब आपके क्या है, रीजंस हैं। ठीक है, ओके, सो कितने मार्क्स में इंस्टीट्यूट पूछ रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अरे करना क्या है आपको, ये तो देखो आपको करना है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यही बताया था कि भाई इंस्टीट्यूट हमेशा जो है यही पूछता है, या तो कॉस्ट शीट पूछेगा या रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पूछेगा, या दोनों पूछ लेता है कभी कभी। तो इंस्टीट्यूट इसमें से क्या पूछ रहा है, केवल रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पूछ रहा है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया तो हुआ है कि 8 मार्क्स में 8 मार्क्स से 15 मार्क्स तक इंस्टीट्यूट जो है इसको, इस चैप्टर को, इन दो चैप्टर्स को पूछा करता है। सो मेरी जो जो मैंने बताया है आपको वो कितने मार्क्स कवर हो गए, आपके 8 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स, 23 मार्क्स आपके कवर हो चुके हैं, जो एनालिसिस मैंने आपको करके दिया है। ओके, तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपका जो अटेम्प्ट होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 23 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि टोटल वर्क कॉस्ट बता दो। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट बता दो, टोटल कॉस्ट बता दो, और प्रॉफिट पर यूनिट बता दो, टोटल प्रॉफिट बता दो। अब बताओ इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा, इंस्टीट्यूट ने पूछा कॉस्ट शीट, इंस्टीट्यूट ने पूछा कॉस्ट शीट कितने मार्क्स में, 8 मार्क्स में। तो मैंने तो ऑलरेडी कहा था ना कि 8 मार्क्स से 15 मार्क्स का ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर बनते हैं, एक तो कॉस्ट शीट और आपका प्रॉफिट रिकंसिलेशन। ठीक है, देख लो बन चुका है, 16 मार्क्स में इंस्टीट्यूट ने बना दिया इस चैप्टर को, दो चैप्टर को। तो 23 और 8 मार्क्स कितने हो गए, 31 मार्क्स पे कवर हो गए। फाइन, ओके, अब इंस्टीट्यूट क्या पूछ रहा है, इसका मतलब आपने क्या अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट किया आपने, थर्ड अटेम्प्ट किया आपने, ठीक है, फोर्थ आपने अटेम्प्ट किया। अच्छा, अब आप इसमें से ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मैंने आपको एनालिसिस दिया उसमें मैंने इस चैप्टर को प्रायोरिटी नहीं रखी। कौन सा चैप्टर है ये, ये चैप्टर है जॉइंट कॉस्ट वाला, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। स्टिल आपको माइंड में रहना चाहिए आपका 31 मार्क्स आपके कवर हो चुके हैं। अब आप आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो क्या है, ये देखते ही आप बता सकते हो, दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये क्वेश्चन जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का है, आप इसको चेक करते रहना, टैली करते रहना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का है, 8 मार्क्स में पूछता है इंस्टीट्यूट इसको। ठीक है, द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंस्टीट्यूट पूछा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से, किससे पूछा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और वैल्यू ऑफ WIP अकाउंट, सो 7 मार्क्स का हो गया। सो मैंने तो आपको बताया ही है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इंस्टीट्यूट 15 मार्क्स के पूछेगा दो क्वेश्चन। ठीक है, सो 31 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स, सो ये आपका हो गया अप्रोक्सीमेटली 31 और 15, ये आपका 46 मार्क्स का अटेम्प्ट हो चुका है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सेकंड आपने अटेम्प्ट किया, थर्ड आपने अटेम्प्ट किया, फोर्थ आपने अटेम्प्ट किया, फिफ्थ आपने अटेम्प्ट किया, राइट, अब यही बोलोगे। ओके, आपके 4 क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं, अब आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, अब आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो अब कैसे अटेम्प्ट करें हम, 45 प्लस 15 कैसे लेके आए, अभी तो आपके कितने बनेंगे बताओ, 60 मार्क्स ही बनेंगे, और आपने कहा था कि 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं बताता हूँ ना आपको, देखो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मटेरियल वाला, सॉरी लेबर का पूछा है इन्होंने। ठीक है, लेबर का पूछा है 7 या 8 मार्क्स में पूछा है, जो भी पूछा है। ठीक है, सो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 8 मार्क्स का। ओके, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है, ये पूछा है बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल से 7 मार्क्स का। सो मैंने तो आपको बताया था ना कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल एक ही साथ पूछते हैं इंस्टीट्यूट, और 15 मार्क्स का पूछता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 70 मार्क्स को हम कैसे सिक्योर करें इस सेक्शन बी में, तो मैं आपको वो बताता हूँ किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन हो गया 7 का A पार्ट, 7 का A पार्ट, ये हो गया 8 मार्क्स में मार्जिनल कॉस्टिंग का अगेन। ठीक है, और ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया इसके बाद का जो बी पार्ट है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 7 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स का यहाँ से मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, और
ठीक है, जो तो जो जो मैंने ये हो गया आपका शॉर्ट नोट, ये हो गया आपका शॉर्ट नोट, ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट नोट। तो जैसे कि मैंने आपको क्लैरिटी पहले ही दे दी, ठीक है, ये आपका हो गया शॉर्ट नोट। आपको 7 क्वेश्चन में से 5 करने हैं, तो अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, और या इसे आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, बट जो मैंने एनालिसिस आपको बताया है उसमें से आपको करना चाहिए। एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपको करना चाहिए, ठीक है, 15 मार्क्स के कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल करना चाहिए, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, 2 हो गए, 5 में से 2 हो गए, 30 मार्क्स आपने कवर कर लिए, ओके। 6th नंबर क्वेश्चन में से, ठीक है, 7th और 6th हो गया, 5th नंबर आपका कौन सा हो गया बताओ, 5th नंबर कौन सा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कितने चैप्टर, कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 3 क्वेश्चन, और आपके कितने मार्क्स कवर हो गए, 15 प्लस 15 प्लस 15, 45 कवर हो चुके हैं, ओके। सो तो 7 हो गया 6 हो गया 5 हो गया। अब आप आ सकते हो किस पर, अब आप आ सकते हो 4 नंबर क्वेश्चन पे। कितने नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर पे, ठीक है, 4 नंबर पे आ सकते हो। कितने मार्क्स कवर कर लेगा ये आपके, 8 मार्क्स, तो 45 प्लस 8 कितने होते हैं, 53 मार्क्स होते हैं आपके, ओके, 53 होते हैं। कितने क्वेश्चन आपके हो गए, 4 क्वेश्चन आपने देख लिया यहाँ पे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पर आप चलिए किस पर, अब आप एक क्वेश्चन पे चलिए किस पर, सेकंड पर, तो 5 40 53 क्वेश्चन, 53 मार्क्स और 15 कितने हो गए, 53 और 15 कितने हो गए, ये 68 मार्क्स हो गए। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि आपका 70 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो हो चुका है, ओके। सो 68 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट कर लिया, 70 68, वो अप्रोक्स वही हो गया। सो 75 में से आप अप्रोक्सीमेटली 70 68 मार्क्स 70 मार्क्स का आप इजिली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, राइट। सो यही मैं आपको एक एनालिसिस दे के बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारा जो एनालिसिस है, ये भाई ये सब चीजें तो आप तब एनालाइज कर पाओगे ना जब आप स्कैनर को पढ़ोगे। आप स्कैनर देखते नहीं हो, आप तो बेकार के क्वेश्चंस करते हो इस टीचर के उस टीचर के। आप एक ही टीचर पर स्टिक रहो, देन आप अपने इंस्टीट्यूट पर स्टिक रहो, देन आप इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम पेपर पे स्टिक रहो, ठीक है, ओके। ये तो रहा एकदम लेटेस्ट अटेम्प्ट, मैं आपको एक दिखाता हूँ लास्ट का अटेम्प्ट, जो सिलेबस 2016 का पहला अटेम्प्ट था। एनालिसिस करा रहा हूँ तो मैं उसको वेरिफिकेशन भी बताऊंगा ना, तभी तो आप जान पाओगे। ये फिर मैं आपको ये दिखाने के बजाय ना, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, स्कैनर दिखा देता हूँ, राइट। स्कैनर से, स्कैनर में भी तो ये एनालिसिस होता है, और ये एनालिसिस मैंने स्कैनर से ही बनाया है, ठीक है, ओके। हाँ देखो ये बता तो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल शोइंग मार्क्स, ठीक है, हाँ सेकंड, कहाँ गए ये, देखो देखो ये भी दिख रहा होगा आपको, देखो ये एनालिसिस आपको देकर के इंस्टीट्यूट चलता है, मतलब इंस्टीट्यूट नहीं देता, सॉरी, ये कंपनी जो है जो स्कैनर बनाती है, जो स्कैनर प्रिंट करती है, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। सो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, 7 to 8 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ये पूछ रहा है बजटरी कंट्रोल, ठीक है, 7 to 8 मार्क्स का इंस्टीट्यूट बजटरी कंट्रोल पूछ रहा है, ओके। देन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूछ रहा है, 8 मार्क्स से पूछ ही रहा है, देखो जून 17 से हमेशा पूछ रहा है। 15 मार्क्स से देखो इंस्टीट्यूट हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग पूछ रहा है, ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो। उसके बाद में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, राइट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट 8 मार्क्स का पूछ ही पूछ रहा है, और आपका क्या कहते हो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी 7 मार्क्स का पूछ ही रहा है हमेशा, ठीक है। सो देख सकते हो आप, ये स्कैनर में ऑलरेडी एनालिसिस दिया होता है, ठीक है। सो मटेरियल इंस्टीट्यूट पूछ ही पूछ रहा है, कभी कभी लेबर भी पूछ रहा है, ठीक है। सो कॉस्ट शीट इंस्टीट्यूट हमेशा देखो पूछ रहा है, 9 से 8 मार्क्स में हमेशा पूछ रहा है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हमेशा इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, ठीक है। सो मैंने आपको ये ऑलरेडी एनालिसिस दे चुका हूँ, आप अपनी पढ़ाई करो अच्छी तरीके से और मार्क्स लेके आओ, ठीक है। और स्ट्रेटेजी आपको कैसे पसंद आया आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो, और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लो, ग्रुप और चैनल दोनों को, ठीक है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू इंजॉयड, होप यू गॉट सो मेनी थिंग्स, ठीक है। सो अभी आप जाकर के पढ़ाई करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।